1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया था। तब से हम डिफरेंट थीम्स के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है आज, और इस वक्त जो हम ये स्टॉल लगाए इसमें जो बैग और दूसरे सामान के कैदियान हवालातियान खुद बनाते हैं। बनाने का मकसद और ये यहाँ पे शो करने का मकसद भी है कि लोगों के सामने ये अवेयरनेस आएगी जेदू के अंदर जो कैदियान हवालातियान बंद होते हैं इनको कमाई का एक ज़रिया जो हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ताकि कैदियान हवालातियान जो अंदर बंद है वो इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। बात से है मेरे सेंटर का नाम है शाहीन गिली गट्टू, और ये जो हमें EPA वालों की जानिब से हमें जो लोन मिला है इससे बैग बनाने के लिए जो कि प्लास्टिक की जो थैलियों को ख़त्म करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है उस लिहाज से, लेकिन लोगों की अवेयरनेस अभी तक इस कपड़े के बैग की तरफ नहीं आई है। दुकानदार लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें बहुत महंगे पड़ रहे हैं ये बैग्स, तो हम खुद भी परेशान है कि ये बैग इतने महंगे उनको देना हमें पड़ रहा है, हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकी कपड़े की लगती है, इस हिसाब से हम इसे नहीं ले। मंथली 10 टन प्लास्टिक बिल्कुल में आता है, अब 10 टन को आप मल्टीप्लाई करें ईयरली तो तकरीबन ये 80 मिलियन का शॉपिंग बैग कितने यूज़ होता है, और वो या हमारे ओपन फील्ड्स में होता है या हमारे यहाँ हीटर्स जो बुखारियाँ होती हैं गिलगित में बुखार उनमें जलता है। माहौल की बेहतरी लाना सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि हमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एकेडेमिया, उनके दरमियान कोऑर्डिनेटेड और एक कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है इस माहौल या इस क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए।